सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज वाले व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है अरबाब के घर से। आज हमने खाए हैं मोटे मोटे चने के साथ खुब्ज। तो अभी हम जाएँगे ड्यूटी पर। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से खाना पड़ेगा। हमने नाश्ता घर से ही कर लिया। अभी लंच जो है वो हम बाहर से खाएंगे आज के दिन। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास, चल के गाड़ी करते हैं चेक और फिर चलते हैं जी काम पे। तो आज का मौसम जो है वो बिल्कुल साफ़ है। आज जो धुंध वगैरह थी पहाड़ों के ऊपर वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही रह गई है, थोड़ी रह गई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है और आज जो है वो सांस लेने में भी कुछ गुड फील हो रहा है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अभी रॉकेट्स के पास पहुंच चुके हैं और करेंगे इनको स्टार्ट, फिर निकलेंगे। भाई लोग पहला में इंटर कर चुके हैं और ये है सुल्तान कबूस मास्क, यानी कि सुल्तान कबूस की मस्जिद। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, इसके अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे किसी दिन। तो अभी पहुंच चुके हैं जी शेल वाला शीशे पे, शेल पेट्रोल पंप पे। यहाँ से डालेंगे अभी डीजल डाल के अभी मेरे पास जो डीजल है वो नहीं नज़र आएगा। राम राम से डालो यार, 2 लीटर तो रह गए। अभी तो मेरा गलती, शायद कल मेरे को बोला इंतजार दिया था खा रहा है इस तरह चल पाएगा। अच्छा, मैं बोला क्या हुआ, तो बोले अना पे कदी मिनट मारो अना भाई शिव पुलिस तशीर पगल वाइज ना बन जाए। ये क्या हुआ, तो गाइस अभी हमारा तरबूज खाने को दिल कर रहा है दबाना, तो अभी देखते हैं कौन सा हमें पसंद आता है। ये है सब्ज़ी वाली दुकान, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं और आज मैं आपको इनके फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ वगैरह दिखाता हूँ, ड्राई फ्रूट्स। हाँ देखो ना कौन सा अच्छा लगेगा, देखो एक काट के देख, ये पूरा लेना पड़ेगा, कुछ छोटा पीस देखो। पूछो यार, यहाँ पर सारी की सारी सब्जियाँ लगी हैं, आलू और अनानास और पता नहीं कौन कौन सी ब्रांड्स हैं। चलो जी, एक तरबूज हमको पसंद आ गया और अभी केला का हाल देखो। ये बेकार केला है, इधर का केला अच्छा नहीं है, हमारा उधर फैसलाबाद का केला एक नंबर केला है। ये मुर्गी बनाने वाला वो चिकन से काट लगा है, वो मुर्गी बनाने वाला चिकन से काटेगा, मुश्किल है एक काटेगा। दुआना जो है वो तो माशाल्लाह लाल है और ये दोनों बंगाली आपस में बातें कर रहे हैं बांग्ला में। चलो जी, दुआना आ गया जी, दुआना अभी खाएंगे दुआना। और यहाँ पर मिलता है जी किलो के हिसाब से, माशाल्लाह बहुत बड़ा पीस है, अभी हम खाएंगे इसको तो फिर अगला काम करेंगे। तो आज भी मजरा में काम कर रहे हैं, खजूरों के पत्ते उठा रहे हैं, गाड़ी में लोड कर रहे हैं और
एक खजूरों को चढ़ाया है गिलाफ ताकि खजूरें जो हैं वो गिरे ना और ख़राब भी ना हो। तो गाइस गाड़ी जो है वो हो चुकी है लोड और अब हम चलेंगे गाड़ी के ऊपर और डालेंगे ऊपर जाके तरपाल। चलो जी गाड़ी की छत पे शेवल में बैठ के, तो यहाँ से भी डालते हैं तरपाल और फिर चलते हैं। किधर से जाएगा ये? मेरे ख्याल से ये खुद ओनर का गाड़ी है, उसको ही निकलेगा। नहीं है तो यार इन्होंने भी बथेरी बड़ी बनाई है माशाल्लाह, एलसीडियां काफी तगड़ियां ने। 179 रियाल यानी कि 180 रियाल बड़ी एल सी डी। लेकिन आज जो है वो लंच में हमारे पास है चिकन फ्राई बिरयानी, साथ में कोक सैलड और रायता। तो अभी देखो कितना रायता खिलाते हैं हम। तो गाइज जिस चीज़ के लिए हम ग्रैंड मॉल में आए हैं वो चीज़ मुझे नहीं नज़र आई। मैं आया था यहाँ पर आईफोन 15 के लिए, तो यहाँ पर कोई भी आईफोन वगैरह जो है वो नहीं है, बस एलसीडीज ही हैं यहाँ पर। बड़ी बड़ी एसी हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं और सेम लाइक दैट और भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो कुछ भी नहीं है इधर। अभी हम अपनी फर्क वाली ग्रैंड मॉल में चलेंगे। हाँ दिशी भाई, एटीएम में जाना पड़ेगा, बैंक मस्कत के एटीएम में। तो अभी गाइस मैं पहुंचा हूं सूक में जहां पर हम रहते हैं और ये है बाज़ार। शीशे की हालत बहुत गंदी है, तो मुझे दिए थे मेरे दोस्त ने बंगाली ने पैसे कि किसी अकाउंट में उसके अरबाब को उसके कफील को वो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो अभी हम चलेंगे सीधा बैंक मस्कत में और गाड़ी हमने कर दी है पार्किंग में खड़ी, तो चलते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने। अभी पहुँचे हैं जी बाज़ार में, ये है आसमत सकाफत अल इस्लामिया का आई थिंक बैंक, सॉरी निजवा कैपिटल ऑफ इस्लामिक कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर सामने लिखा हुआ है 2015 की तरफ से ये मुनक्कद किया। अभी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए एलईडी मुनक्कद कर दी गई है यहाँ पर। ये है टैक्सी स्टैंड, ये है किला और ये पूरा किला है, ये है सूक बाज़ार। तो इस तरफ अभी धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर है आगे एक मस्जिद, यहाँ पे लिखा है निजवा हेरिटेज इन निजवा मालूम नहीं क्या लिखा है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एंटिक। चलो जी अभी हम जा रहे हैं बैंक मस्कत की तरफ। तो ये है जी मस्जिद जामतुल किला, माशाल्लाह। यहाँ पर है गोल्ड की शॉप्स और शॉपिंग सेंटर्स। बैंक मस्कत जो है वो मिल गया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बैंक खुलने में, जब भी खुलेगा तो बाद में इस पर जाके करवाएंगे पैसे ट्रांसफ़र।
काफ़ी टाइम बाद जलील होने के बाद अभी अपने लिए लिए हैं एक कोल्ड ड्रिंक और साथ में एक लेज, ये खाते हैं, तब तक कुछ और करते हैं। गाड़ी कर दी है जी हमने पार्क और किसी दिन हम चलेंगे इस जगह पे। यहाँ पे लिखा हुआ है निजवा, ये वाला, यहाँ पर चलेंगे हम और हमारे साथ भी हम और उसके साथ भी हम और हमारे साथ चलेंगे हमारी कंपनी के बच्चे लोग, बच्चा पार्टी पूरी लेके हम ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक। तो अभी हालत बहुत गंदे वाली हो गई है, जाएंगे घर नहाएंगे और नहा धो के बिल्कुल नहाए धोए जैसे लगेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, फिर हम शाम को चलेंगे बाज़ार रोटी लेने के लिए। आज हमने लगाई है जी भिंडी, जो कि बहुत मज़े की होती है। तो चलो जी, खाना वाना हो गया हमारा कंप्लीट, खा लिया है और अभी हम करते हैं जल्दी से सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह उठ के दोबारा ड्यूटी पे भी जाना है। तो आई होप कि आज वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह होती रहेगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।